किचन की बदबू से फटाफट छुटकारा दिलाती है ये 5 इजी होम रेमेडीज। ज्यादातर महिलाओं की शिकायत होती है कि उनकी किचन से बदबू आती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हो तो ये घरेलू उपाय आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कितना भी साफ किचन हो पर उसमें स्मेल रहती है। तो क्या वजह है, चलिए आइए जानते हैं, वीडियो पर बने रहें। खाने में मसालों का इस्तेमाल आपके खाने को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने में हेल्प करता है, पर इसकी महक किचन के साथ साथ पूरे घर में फैल जाती है, जो थोड़े समय तक तो आपको अच्छी लगती है लेकिन कुछ ही समय बाद ये महक बदबू में बदल जाती है और आपको, खास तौर पर आपके बच्चों को, बेहद परेशान करती है और आप इससे बचने के उपायों की खोज करने लगते हैं। तो अक्सर फैन ऑन रहता है तो सारे मसालों को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, तो उसकी झार, स्मेल, सारी चीजें कमरे में, घर में फैल जाती है। तो बदबूदार किचन भला किसे पसंद आती है। अगर आप भी किचन की बदबू से परेशान है तो इससे छुटकारा पाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो वीडियो पे बने रहें, हमारा सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो लेकर आते रहेंगे। कुछ होम रेमेडीज की हेल्प से आप ना केवल किचन की बदबू को दूर कर सकती हैं बल्कि आप अपनी किचन को हमेशा खुशबूदार भी बना सकती हैं। आइए जानें कौन से ये उपाय हैं जिनसे आप अपनी किचन को खुशबूदार बना सकती हैं। सबसे पहले नंबर पर है सिरके का इस्तेमाल करें। अब तक आपने सिरके का इस्तेमाल सिर्फ खाने को टेस्टी बनाने में ही किया होगा, लेकिन क्या आप जानती हैं कि ये आपकी किचन को खुशबूदार बनाने में भी हेल्प करता है। तो इस्तेमाल कैसे करें इसको भी जान लेते हैं। कैसे करें इस्तेमाल, इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि एक बर्तन में थोड़ा सा सफेद सिरका यानी व्हाइट विनेगर डालकर उसमें दालचीनी का एक टुकड़ा मिला लें, फिर इसे एक बाउल को इसके मतलब बाउल के अंदर रखिए, उसमें सारी चीजें मिला लीजिए, फिर कहीं भी एक कोने में किचन पे रख दीजिए, किचन की बदबू गायब हो जाएगी। बस इतना ही करना है। या फिर आप इससे पोछा लगाते समय सफेद सिरके की 2 बूंदें पानी में डालकर किचन के स्लैब को साफ कर लें, है ना कमाल का नुस्खा। बस कुछ ही मिनट में करता है किचन की बदबू को छू बनता। तो सबसे कमाल की चीज है सिरका, व्हाइट विनेगर। अच्छा, अब दूसरी चीज है, जानते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लगभग हर किचन में देखने को मिल जाता है। इसका इस्तेमाल आप तरह तरह की डिशों को, चना और बहुत सारी चीजों को बॉयल करके यानी गलाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए, साथ साथ किचन की बदबू को भी दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके इस्तेमाल से किचन की बदबू फटाफट दूर भाग जाती है। तो जानिए कि ये इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हमें कैसे करना है जिससे हमारे घर की, किचन की बदबू दूर हो जाए। सोडे से बदबू को दूर भगाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि किचन में खाना बनाने के बाद स्लैब या फिर डस्टबिन के आसपास थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़कना है। इसकी हेल्प से आप किचन से जलने की बदबू को भी आसानी से दूर कर सकती हैं। अक्सर हम चढ़ाकर कुछ भी भूल जाते हैं और वो जलकर खाक हो जाता है, तो उसकी स्मेल बहुत देर तक घर में पूरा पूरा दिन बनी रहती, तो इससे उसे भी दूर कर सकते हैं। शुगर सोप भी है मददगार। खाना खास तौर पर नॉन वेज बनाने के बाद हाथों और किचन दोनों से बदबू आने लगती है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रही हैं तो इस उपाय को करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। शुगर यानी कि शक्कर, चीनी, इसका इस्तेमाल करना है। कैसे करें इस्तेमाल, हाथों को साबुन से धोने से पहले हाथों की थोड़ी सी चीनी लेकर उससे मसाज करें। चीनी हाथों की बदबू दूर करने में हेल्प करती है। किचन की बदबू को दूर करने के लिए साबुन के पानी में थोड़ी सी चीनी मिलाकर रख दें, इससे बदबू दूर हो जाएगी। अब आइए जानते हैं लेमन वाटर यानी नींबू के पानी का कमाल। नींबू पानी आपको फिट रखने के साथ साथ किचन और फ्रिज दोनों की बदबू दूर करने में भी हेल्प करता है। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है और किचन की बदबू भी झटपट गायब हो जाएगी। तो आइए जानते हैं नींबू के पानी का कैसे इस्तेमाल करें और जिससे कि हम अपने किचन की बदबू को दूर कर सकें। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि पानी से भरे बाउल में नींबू निचोड़कर इसे किचन में रखना है। जैसे आपने व्हाइट विनेगर रखा था दालचीनी का टुकड़ा डाल के, सेम वैसे ही करना है। अगर विनेगर ना हो तो ये कर लें, कुछ ही देर में आपके किचन से आने वाली बदबू दूर हो जाएगी।
अब आइए जानते हैं संतरे के छिलके का पानी। संतरे के छिलके का पानी, जिस संतरे के छिलके को आप बेकार समझकर फेंक देती हैं, वो आपकी सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ किचन की बदबू को भी दूर भगाने में भी बेहद मददगार है। यहाँ तक कि आप अपने कमरे से मच्छर मक्खी भी भगा सकती हैं। दरअसल संतरे के छिलके का पानी किचन की बदबू को दूर करने में हेल्प करता है, बहुत ही कमाल का है। आइए जानते हैं कैसे करें इस्तेमाल। और इसे आप सूखा रहे तो इसको जला के अपने कमरे में रख दे, बहुत जबरदस्त एयर फ्रेशनर बन जाता है। कैसे करें इस्तेमाल? इसके लिए एक बाउल में 1 कप पानी लेकर इसे धीमी आंच पर गर्म करें। अब इस पानी में संतरे के छिलके को डालें, इसे 2 मिनट के लिए उबलने दें और फिर इसमें दालचीनी मिला दें। आप चाहें तो इलायची भी मिला सकती हैं, लेकिन एक बार में एक ही मसाले का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि इलायची भी दालचीनी भी सब डाल दें, नहीं, सारी इसमें खराब हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की है? अगर किचन की बदबू ने आपकी नाक भी सड़ा दी है तो आज से ही अपनी पसंद को कोई भी उपाय को बनाएं और किचन की बदबू को दूर भगाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके, एक लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, और हमें भी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। बहुत 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 टेक केयर। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।